मैं तेरा हायर जबरा होए रे जबरा फैन हो गया मैं तेरा हायर जबरा होए रे जबरा फैन हो गया एवरीबडी वंस अगेन गुड मॉर्निंग वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो इस मॉर्निंग 3 o'clock हो रहा है तो वैसे जा रहे हैं, अभी जाना हमको सासाराम क्योंकि मेरा बिहार पुलिस का पेपर है। तो हम और एक मेरा फ्रेंड, तो हम दोनों एक साथ ही जा रहे हैं अभी। तो अभी चलते हैं थोड़ी ट्रेन, उसके बाद यहाँ से चलेंगे सासाराम। तो अभी हम और मेरे दोस्त अभी साथ में आए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे ट्रेन पकड़ने के लिए। तो अभी मॉर्निंग 3 o'clock ही हो रहा है और ऐसे बहुत अभी तो रात ही है और यहाँ से सासाराम जाने में ये ट्रेन हम लोग नहीं पकड़ेंगे ना, तो भाई एग्जाम भी छूट सकता है। तो हम लोग चलते हैं आरा जंक्शन। तो है बड़ी अभी हम लोग आ गए हैं आरा जंक्शन। तो ऐसे भी बच्चे सब बहुत बैठे हैं ऐसा जंक्शन पर और 3:15 में ट्रेन खुलने वाली है और आरा जंक्शन। तो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कैसे कौन सा ट्रेन जाएगा, क्योंकि ऐसे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी एक ट्रेन लगी है और 1 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेन लगी है। तो ऐसे कौन सा ट्रेन जाने वाली है सर हम अभी पता करते हैं। तो फिर हम आरा जंक्शन पे आ गए। तो भाई देख रहे हैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले बच्चे बहुत सारे ऐसे स्टेशन पे ही सोए हैं, मतलब ऐसा बेरोजगारी है जो मतलब, लेकिन उतना जितना भी है खुश है सब और स्टेशन पे ही सोए थे रात भर पूरा। तो अभी हम अपना ट्रेन देख रहे हैं कि कब मेरा ट्रेन खुलने वाली है। तो थोड़ी देर में मेरा ट्रेन खुलेगी। तो अभी हम ऐसे बच्चे बच्चे से देख भी रहे थे भाई, बहुत थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि कितना बेरोजगारी है भारत में बहुत पता चलता। हम ट्रेन के सबसे पीछे वाले बोगी में बैठे हैं क्योंकि आगे भाई बहुत भीड़ है, इतना भीड़ है कहीं कहना। तो अभी हम पीछे आकर बैठ गए हैं हम और मेरे दोस्त और अभी यहाँ से थोड़ी देर में और ट्रेन चलने वाली है। अभी आरा जंक्शन से राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जा रही है। चल वो जाओ बारे ढूंढे जिन में चाहत। अपने टाइम से 7 मिनट लेट पैसेंजर ट्रेन सासाराम के लिए खुल गई है आरा। अभी धीरे धीरे सुबह हो रहा है और सुबह का मौसम भाई बहुत सुहावना लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना कहीं कहना। तो ट्रेन ऐसे धीरे धीरे सासाराम पहुंच गई और सासाराम भाई जैसे ही ट्रेन इतनी टर्निंग थी ना क्या कहना, ऐसा डर लग रहा था भाई ट्रेन ऐसे पलट नहीं जाए, लेकिन ऐसे भगवान का शुक्र है सासाराम लोग पहुँच गए हैं। ट्रेन सासाराम पहुंच गई, इतना भीड़ हो रहा है, इतना भीड़, इतना बच्चा सब निकल रहा है, लाइन इतना लग गया सीढ़ी पे ना क्या ही कहना। मतलब हम लाइन में कम से कम 5 से 7 मिनट खड़े हो तो हम ऊपर चढ़े, भीड़ बहुत ज़्यादा है बच्चे, इतना मतलब पूरा आरा जिला आ जाया था, इतना हंगामा हुआ क्या ही कहना। ऊपर गए भाई, ऊपर में भी हल्ला हो रहा है खूब। जैसे हम लोग एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे वहीं पे थोड़ा जाकर बैठेंगे और थोड़ा कुछ चाय वाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर एक और दोस्त आने वाला है आरा से, दूसरे के इंतजार कर रहे कि भाई वो आएगा, बस हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर जाएंगे हम लोग अपने अपने सेंटर पर। तो अभी उसका वेट कर रहे थे कि भाई, क्योंकि वो आरा से 7 o'clock मतलब 7 o'clock से ट्रेन पकड़ रहा और फिर आया है यहाँ पर, तो अभी थोड़ा आ रहा है, अब कब आएगा पता नहीं। तो ऐसे वो आ गया है, भीड़ में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ से। दुनिया ये थोड़ी थोड़ी है बेहतर लगे दिल के नौकर जा। हम लोग चाय की दुकान पे आ गए, थोड़ा सोचे चाय पी लेते हैं फिर उसके बाद जल्दी से जाएंगे ऐसे एग्जाम देने। तो ऐसे हम और दोस्त के साथ ऐसे चाय पी रहे थे और पीने के बाद तो जल्दी से चले गए स्कूल, संत पॉल स्कूल भाई बहुत तगड़ा स्कूल है, इतना मतलब। तो अभी हम जाते हैं अंदर, तो यहाँ पे अभी ब्लॉग थोड़ा सा एंड होगा। तो ऐसे भी हम लोग आपसे एग्जाम देने के बाद निकल गए, तो ऐसे अंकुश जी से सवाल करते हैं कि ये कितना सवाल ऐसे मारे हैं, बताइए कितना ऐसे सवाल मारे हैं। देखिए हाँ, और भैया आप कितना ऐसे सवाल मारे हैं बताइए। 95 भैया। तो ऐसा हम लोग जा रहे हैं सिरसा के मुकाबला घूमने, ऐसा हम सब दोस्त के साथ आ रहे हैं, सब दोस्त ठीक है। तो ऐसे एग्जाम देने आए थे तो बच्चे सब बोले चलते हैं सिरसा मुकाबला, तो हम भी बोले ठीक है चलते हैं फिर। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है मुझको ना दुनिया की। तो अभी हम लोग ऐसे सिरसा मुकाबला के लिए जा रहे हैं टिकट लेने, तो अभी अंदर चलते हैं टिकट लेने। तो हम टिकट लेने आ गए हैं, तो इंडियन टिकट 25 रुपये और फॉरन के लिए तो भाई 300 टिकट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, टिकट हम लेके चलते हैं फिर अभी। तो भाई ऐसे हम लोग हैं 5 लेकिन टिकट लिए हैं 4, अब देखो अंदर कैसे जाते हैं। अभी हम अंदर आ गए हैं, ऐसे हमसे पूछ रहा था कि हाँ क्यों टिकट भाई 4 ही है, तो हम बोले ऐसे दोस्त के साथ आए हैं पैसा नहीं है, तो हम अंदर आ गए और सिरसा मुकाबला कि अब ऊपर अब जा रहे हैं हम लोग और भाई भीड़ क्या ही कहना, बहुत ज़्यादा लड़के आए थे और इससे ऊपर जितना भी बिल्डिंग बना है इतना तगड़ा लग रहा था ना क्या ही कहना। तो अब हम अंदर जा रहे हैं जहाँ पे ऐसे सिरसा का अंदर मुकाबला है। सुनाता दिल अगर ये बोल पाता।
शेर शाह सूरी ऐसे हमारे बिहार के माननीय महत्व व्यक्ति थे जिन्होंने इसी नदी में नदी देखा इसी नदी में हुमायूं को पटक पटक मारे थे, बहुत मार मारे थे जो भारत छोड़कर भागा था ताशकंद में और 15 साल तक इन्होंने दिल्ली पर। वैसे जब भी हम प्राचीन पहले का कुछ चीज़ देखते हैं वही हमको बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहे हैं हम। ऐसे जितना भी देख रहे थे हमको मतलब देख ही जा रहे थे, कुछ सोच ही नहीं थे, और इतना अच्छा लग रहा था ना भाई पहले का जो बनाया हुआ है भाई बाबर का। जब आप मुकाबला घूमने हैं तो भाई भी आज एग्जाम दे के आए ऐसा सर हम ऐसे मुकाबला घूमने। तो ऐसे राजा जो थे पहले के जब भी ऐसे महल बनवाते थे भाई बहुत तगड़ा महल बनाते थे सच बता रहे। तो फिर हम लोग ऐसे दोस्त के साथ थोड़ा बैठ के भुंजा खाने क्योंकि भूख लगा था, क्योंकि हम लोग सुबह से एग्ज़ाम ही दे रहे हैं और एग्ज़ाम देने के बाद अभी 2 बजे से हम लोग छूटे तो यहाँ पे आए घूमने डायरेक्ट, कुछ खाना नहीं खाए हम लोग। तो अभी हम लोग बस खाना स्टार्ट करते हैं। दिल का ये क्या राज है जाने। हम लोग चलते हैं यहाँ से बाबर के मुकाबला घूमने अंदर पे। कौन हरे तो सभी हम लोग जा रहे हैं सिरसा मुकाबला जहाँ पे ऐसे सिरसा स्नान करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा ऐसा तालाब टाइप का है, तो मतलब पोखरा बोल सकते हैं, तालाब ही बोल सकते हैं, बहुत बड़ा है। और यहाँ पे सब बच्चे ऐसे आके बैठे हुए थे तो हम भी थोड़ा सा नीचे गए और आराम से बैसे कुछ देर थोड़ा सा आराम किए, क्योंकि ऐसे मछली आ रही थी दाना उन्हें डाल के। फिर अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। अब ऐसा सच में बता रहे तो भूख लगा हुआ था बहुत तेज, तो ऐसे हम और सब यहाँ से जा रहे थे। हम लोग सिरसा सूरी घूम कर बाहर निकलते हैं, बहुत आज का ऐसे मस्त व्यू लगे। ऐसे हम लोग हर रोज घूमते रहते हैं जब भी आते हैं कभी भी एग्जाम देने। हे गाइस, तो ऐसे मुकाबला घूम के हम आ गए हैं सासाराम जंक्शन, अब जा रहे ट्रेन का टाइम हो गया तब भी ये लोग अभी जा नहीं, ट्रेन में से अंदर नहीं, सब कोई डांस ही कर रहा है, प्रोग्राम एकदम मजा कर दिया, एकदम मजा कर दिया। ऐसे ट्रेन में हम लोग बैठे थे सब दोस्त के साथ और बातचीत करते करते हम आ रहे थे आरा, और सभी भाई मस्त एकदम बहुत अच्छे से बातचीत हो रहा था, और इतना भी भाई कोई गुस्सा नहीं करेगा जो भी मजाक मस्ती। अभी हम लोग आ गए आरा जंक्शन, आरा जंक्शन से थोड़ा देर पहले ही ट्रेन ऐसे रोक दिया था तो हम लोग यहीं पर उतर जाते हैं। फिर हम ये सोच रहे इतने सारे बच्चे जो अभी मतलब घर जाने वाले होंगे, अब 9 बज गया रात, बताओ इनको कोई ट्रेन नहीं मिलेगा या कोई बस नहीं मिलेगा, बहुत दिक्कत है इन लोग के लिए। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, अब अपने घर भी आए हमको लेने के लिए। जो ना होते हुए